हेलो दोस्तों, मैं सुनीता वर्मा और आप देख रहे हैं क्वाइटिनेटिव मिल्स। आज मैं चने की दाल की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। चने की दाल नहीं बनाएंगे, चने की दाल से कुछ मीठा बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे? हम हलवा बनाएंगे, वो भी चने की दाल का। बहुत ही टेस्टी बनता है, साथ में बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं ये चने दाल के हलवे की रेसिपी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चने की दाल का हलवा बनाना। देखिए, चने की दाल है, इसको मैंने धो के 2 घंटे पहले भिगा दिया था और अच्छे से धोकर मैं इसे पीस लूँगी। बिल्कुल बारीक पीसना है इसको। इसके बाद देखिए, मैंने ये कढ़ाई में घी डाला हुआ है। घी में ये हलवा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो जितना आपने चने की दाल ली है उतना ही घी लीजिएगा, तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए, ये मैंने घी ले लिया है और घी गर्म होते ही मैंने चने की दाल को जो पीस के रखा था वो इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, घी गर्म हो गया है, तो चलिए चने की दाल को इसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम आँच को मीडियम कर देंगे और मीडियम आँच पर इसको हम कम से कम 15 से 20 मिनट तक भूनेंगे। तो इसी तरीके से चला चला के इसको भूनना है। देखिए, आप जब आप दाल पीसोगे तो आप जितना पानी ऐड करोगे भूनने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डालकर इसको पीसिएगा तो आपकी दाल बहुत ही जल्दी से भुन जाएगी। अच्छा, कितनी देर के लिए इसे भूनना है? जब तक कि इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। और अभी मैं आगे आपको बताती हूँ कि कितनी देर और लगेगी इसे भूनने में। तो ये देखिए, अभी इतना ड्राई हुआ है तो बस थोड़ी देर और भून लेते हैं। देखिए, घी डाला है, घी की जगह आप रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा घी में लगता है। घी का टेस्ट इस हलवे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैंने घी का यूज़ किया है, आप चाहो तो रिफाइंड या ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। तो बस देखिए, लगभग भुनी गई है, बस थोड़ी सी देर और लगेगी, 5 मिनट कम से कम और लगेगा, और उसके बाद ये दाल भुनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये दाल भुन गई है और थोड़ी देर और भून लेते हैं, एक दो मिनट और भून लेते हैं, जिससे और भी अच्छी हो जाए। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये भुनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये देखिए, है ना, दाल थोड़ी सी अलग अलग सी हो गई है, बस इसी स्टेज तक हमें भूनना है। अब इसके बाद हम गैस को लो कर देंगे और लो करके हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध कितना ऐड करेंगे? जितना कि हमने घी और दाल को लिया था, बस उतना ही हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने, देखिए, ये फुल क्रीम दूध है, इसके साथ मलाई भी थी, जिससे बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आए, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ में मैंने चीनी ऐड कर दी है और इसको मिक्स कर देते हैं। इसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। मैंने महीन महीन काट के काजू और बादाम ऐड किया हुआ है। थोड़ा, एक पिंच हमने लौंग का पाउडर और एक पिंच हम मैंने इसमें इलायची का पाउडर डाल दिया, अच्छी खुशबू के लिए डाल दिया है। और बस थोड़ी देर और पकाएंगे जिससे ये थोड़ा सा थिक हो जाए, उसके बाद हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके का ये बनकर तैयार हो गया है। तो बस देखिए, कितनी अच्छी सी किचन में खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा हलवा बनकर तैयार हो गया है। तो आप चाहे जो फेस्टिवल आ रहा है इस पे आप बनाकर खा सकते हैं, और चाहे तो आपको जब भी मीठा खाने का मन हो तब आप इस हलवे की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, हलवा बनकर तैयार हो गया है और गैस को मैंने बंद कर दिया है। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये हलवा दिख रहा है। तो चलिए इसे बाउल में लगा लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक बाउल में लगा लिया है और इसकी गार्निशिंग के लिए इस पर मैं ये कटे हुए काजू और बादाम डाल दे रही हूँ। ठीक, तो ये देखिए, कितना बढ़िया टेस्टी हलवा बनकर तैयार है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको कैसी लगी ये हलवे की रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। तो मैं इस गर्मा गर्म रेसिपी को इंजॉय करने जा रही हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक